हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द रेसिपी फूड। तो आज हम बनाएंगे मट्टी। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक बड़ा बाउल मैदा लिया है और इसको हम अपने कंटेनर में डाल देंगे। एंड अब हमने यहाँ पे अजवाइन ली है थोड़ी सी। अब यहाँ हाथों से हम अजवाइन को गुटके की तरह पीस के इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर तेल डालेंगे। यहाँ पर तो नमक डालना है। हाँ, नमक डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। और अब हम इसको आटे की तरह गूंद लेंगे थोड़ा सा पानी मिला के। यहाँ पे हमने इसको आटे की तरह गूंद लिया है मार पीट के। ये देखिए हमारा आटा रेडी हुई सा लग रहा है हमें। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए आराम करने देंगे। तब तक हम यहाँ पे एक पैन चढ़ाएंगे, गैस को ऑन करेंगे और यहाँ पे हम इसके अंदर तेल डालेंगे। तेल इतना डालना है कि हमारी जो मट्टी है वो अच्छे से तल जाए। तो अब हमारी 5 मिनट बाद हम अपने आटे को देखेंगे, ये तैयार हो चुका है हमारा मस्त। एंड अब हम इसकी गोलियां बनाएंगे। यहाँ पे हमने गोलियां बना ली है। अब हम इसको बेलेंगे। तो हमें इसको बेलना है छोटे छोटे पूरियों की तरह बेलना है। और यहाँ पे हम इसको पतला बेलेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ पे बेल लिया है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं बेलना है, नहीं तो ये रोटी की जैसी लगेगी। इसी तरीके से हम बाकी पूरियाँ भी बेल लेंगे। यहाँ पे हमने देखी, हमने बारी बाकी पूरियाँ भी बेल लेंगे। अब यहाँ पे इसको चक्कू से मार के छोटे छोटे छेद कर लेंगे। छेद हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये फूले ना, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए इसको भी चक्कू से मार के छोटे छोटे छेद कर देंगे। अब हमारे तेल भी गर्म हो गया है। अब हमें यहाँ पर टिप्स ये है कि अब उसको एक के ऊपर एक रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक के ऊपर जैसे हम रख रहे हैं, और इसको एक एक के ऊपर एक रखने से फ़ायदा ये होगा कि ये फूलेगी नहीं और हेल्प मिलेगी हमें। तो एक बार मैं यहाँ पे 5 मट्टी तल रहे हैं हम यहाँ पे। इसको हम अच्छे से तलेंगे यहाँ पे। तो और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर देखिए हम इसको तलेंगे और यहाँ पर हम तलते टाइम इसको प्रेस करते रहेंगे ताकि ये फूले ना। इस हिसाब से हम प्रेस करते रहेंगे। एंड इसको जैसे जैसे ये तलती जाए इसको हम धीरे धीरे अलग भी करते रहेंगे बाकी 5 पूड़ियों से। और आप अपनी कढ़ाई में जितनी रखना चाहे उतनी रख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे धीरे धीरे इसको अलग कर रहे हैं। यहाँ पे इसको हम इसके कलर बदलने तक यानी सुनहरा होने तक इसको तलेंगे। यस, ये देखिए हम धीरे धीरे अलग भी कर रहे हैं साथ के साथ इसको। और हमारी पूरियाँ जो है अच्छे से अलग भी हो रही है धीरे धीरे। इसको प्रेस करते रहेंगे साथ के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो पूरियाँ है वो धीरे धीरे कलर बदल रही है और अलग भी होती जा रही है। इसको प्रेस करते रहेंगे ताकि ये फूले ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम। एंड अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके कर दीजिए, तब तक हमारी पूरियाँ तल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ धीरे धीरे ये अपना गोल्डन कलर आता जा रहा है यहाँ पे। अब हमारी मट्टी ने पूरी तरीके से कलर चेंज कर लिया है और ये हमारी पक चुकी है। देखने में भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लग रही है ये। इसको अब हम अलग से निकाल लेंगे प्लेट में। एंड आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल्डन कलर की हो चुकी है ये। एंड अब हम इसको सर्व करेंगे एंड चाय के साथ और नाश्ते में खाएंगे। थैंक यू।